जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्म चैनल से हूँ। और हमेशा की तरह हमारा चैनल आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया है। और इस नए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के खुलेआम अपनी परेशानियों को कमेंट्स के रूप में लिख देते हैं और उसके बाद उनको वहाँ नीचे उल्टे सीधे मैसेज और जवाब और लोग देने लगते हैं। जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर किसी लड़की ने लिख दिया है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई उपाय बताएं, तो नीचे ऊटपटांग लड़के ये लिख देंगे तो हमें बॉयफ्रेंड बना ले, कोई कहता है मुझसे दोस्ती कर ले। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत देख रही हूँ और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी लड़कियाँ और सभी लड़के जिनको जो भी दिक्कत है, परेशानी है, कृपा करके आप कमेंट बॉक्स में ना लिखें अपनी परेशानी को। अगर आपको परेशानी ज़्यादा है तो आप मेरे को 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए, अपनी परेशानी शेयर कीजिए। अगर मैं आपकी सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और खुले तौर पे आप कुछ भी ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप ही को कोई ना कोई तांत्रिक बाबा इस तरह से आप लोगों को फंसा लेता है, फिर आप और परेशान हो जाते हैं। तो आप अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो मैंने आपको बताना था बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ, आपने एक जानवर है जिसको बोलते हैं साही। साही यानी सही, एक ऐसा जानवर होता है जिसका पूरा का फरूर शरीर जो है कांटों से ढका रहता है। तंत्र में साही का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल है। मारण में, उच्चाटन में, स्तंभन में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसके कांटे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, होते बहुत सस्ते हैं लेकिन मिलते बहुत मुश्किल से हैं। तो आज मैं आपको एक वशीकरण प्रयोग बता रही हूँ जो सही के कांटे से ही होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बरगद का साफ पत्ता शुक्रवार के दिन तोड़ के लाना है। आपको चाहिए गुरुचन, आपको चाहिए अष्टगंध और साथ में आपको चाहिए हैं 9 सेही के कांटे। अब आप सबसे पहले बरगद का पत्ता जो आपने शुक्रवार को तोड़ा हुआ है उसे शाम को अच्छी तरह साफ ऑफ कर लीजिए गंगा जल से छिड़क के। उसके बाद आप एक छोटी सी कांच की कटोरी में हल्का सा गुरुचन, हल्का सा अष्टगंध को मिलाएंगे गंगा जल उसमें थोड़ा सा मिला के। उसके बाद सेही के कांटे से आपको जिस व्यक्ति को भी अपने पास बुलाना है, चाहे वो आपकी बहन हो, दोस्त हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, आपकी प्रेमिका हो, प्रेमी हो, आपकी पति हो या पत्नी हो, जिसको भी आपको बुलाना है, चाहे आपके टीचर हो, कुछ भी हो सकता है, जिसको भी आप अपने कहने में लाना चाहते हैं, आप उसका नाम लिखेंगे आराम से। जब आप बरगद के पेड़ पर उसका नाम लिख देंगे तो आपको उसका नाम लिखने के बाद सेही के वो 9 कांटे लेने हैं और उसके ऊपर पत्ते पर एक एक करके गाड़ देना है। जैसे आपने लिखा रवि तो आप बोलेंगे रवि गाड़ेंगे, फिर रवि गाड़ेंगे, रवि मेरे वश में हो गाड़ेंगे, रवि मेरे वश में हो गाड़ेंगे, यानी कि रवि मेरे वश में हो ऐसा बोलते पे आपको वो सही का कांटा बरगद के पत्ते पे गाड़ देना है। फिर आप रवि मेरे वश में हो फिर बोल के रवि फिर आपको गाड़ देना है। अगर आप सुनीता नाम प्रयोग कर रहे हैं, लड़की का प्रयोग कर रहे हैं, शीला कर रहे हैं, सुनीता कर रहे हैं, जो भी नाम आपको पूरा लिखना है। जैसे अगर रवि शर्मा है तो रवि शर्मा, और अगर सुनीता मेहरा है तो सुनीता मेहरा, जो भी नाम पूरा लिखा हो वही जो आप बोलते हैं वो पूरा नाम होना चाहिए। इस तरीके से नामों को बोलते पे 9 बार और 9 बार आपको उसमें सारे के सारे कांटे गाड़ देने हैं और अब आपको उसको शाम के समय ही उसको चलते पानी में बहा देना है। इस उपयोग को आपको शनिचरवार को करना है या मंगलवार को करना है। उपाय को करके आप भूल जाइए, आपको इसका 25 से 30 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। यदि आपको 25 से 30 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो आप इस उपाय को 2 बार और कर सकते हैं, यानी टोटल आप इसे 3 बार कर सकते हैं। इससे आपको अवश्य कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अगर आप शेयर करिए और साथ में अपने दोस्तों को बताइए। कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए।